हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी एडू केयर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल सेट। तो देखिए, यूनिवर्सल सेट क्या होता है और किसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। तो देखिए क्या होता है यूनिवर्सल सेट। अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स अंडर कंसीडरेशन, दैट इज इट इज सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट्स। ठीक है, अब देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है सुपर सेट। अब सुपर सेट क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए दो सेट हैं ए और बी। ए अगर बी का सबसेट है तो बी को हम बोलते हैं इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो इसी तरह क्या है यूनिवर्सल सेट, जो है सभी सेट्स जो कि हमारे कंसिडरेशन के अंडर में है उसके सुपर सेट है। ठीक है, और इसे हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर यू। ठीक है, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो जो भी हमारे कंसिडरेशन के अंडर में है और उन सभी सेट्स का जो सुपर सेट होगा उसे भी हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू चलिए। अच्छा, इसका वेन डायग्राम अगर हमें दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं, देखिए मान लीजिए तीन सेट्स है हमारे पास, सेट ए, सेट बी और सेट सी। अब देखिए यहाँ पर ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्योंकि हमारे तीन सेट्स जो कंसीडरेशन में है ए बी और सी, तीनों सेट्स जो है यू सेट के अंदर कंटेंट है, तो यू हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल की बात करें। अच्छा देखिए, एक हमारा सपोज नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है, इंटीजर्स का। इंटीजर का सबसेट हो गया, और इंटीजर किसके सबसेट होते हैं, तो इंटीजर सबसेट होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स के। ठीक है, और रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर ये दोनों सबसेट होते हैं आपके रियल नंबर्स के। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इरैशनल नंबर टी से डिनोट करते हैं तो क्यू और टी अगर ये दोनों को कंटेन करे एक सेट, तो सपोज ये हमारा रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, इसे आर से अगर डिनोट कर दें तो ये रियल नंबर का सेट है, इधर आपका हो गया इरेशनल नंबर, एंड ये हो गया हमारे रैशनल नंबर्स क्यू से डिनोट किए हैं, और इसके अंदर में आपके आएंगे इंटीजर्स। ठीक है, जेड, और उसके अंदर आपके नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा शो करता है आर जो है ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। आर इज आवर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज हमारे दो सेट्स हैं, एग्जांपल सेट ए 1 2 3, तीन एलिमेंट्स हैं इसमें 1 2 और 3। दूसरा सेट है हमारा बी और इसके एलिमेंट्स है 2 2 4 5 6। ठीक है, और एक सेट और है सेट सी और उसके एलिमेंट्स हैं आपके 1 3 5 7। अब इन तीनों के अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें, क्योंकि ये तीनों सेट ही अभी हम कंसीडर कर रहे हैं, तो जिस सेट में ये तीनों के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे वो हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहाँ यूनिवर्सल सेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो सारे तीनों सेट्स के एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए, एटलीस्ट उतना बड़ा तो होना चाहिए, उससे ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं आपके। तो अगर इन तीनों के एलिमेंट्स की कंसिडर करेंगे तो देखिए 1 2 3, ठीक है 4 तो यहाँ नहीं है, तो 4 आपको बी में आ गया, तो तीनों का यूनियन हमें ले लेना है। ठीक है, 4 5 6 5 6, और इस सेट में सेट सी देखेंगे तो 7 हो गया। ठीक है, यूनियन लेना है तो सेम एलिमेंट जो है उसे रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो एक एक बार सारे एलिमेंट्स को हमने नोट डाउन कर लिया, तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दूसरा देखिए, एक अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन इज द यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहे हैं, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स
in xy plane is the universal set. ठीक है, चलिए अब अगर रियल नंबर लाइन की बात करें, ठीक है, तो रियल नंबर लाइन में क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, तो रियल नंबर लाइन जो है वो सभी नंबर्स को आपको शो करेगा, तो ये भी हमारा रियल नंबर लाइन जो है यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया यूनिवर्सल सेट के बारे में, और इसके हमने वेन डायग्राम भी देखे और एक प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस किया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।